जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। मूवी के शुरुआत में 1963 की मेक्सिको की कुछ क्लिप्स दिखाई जा रही थी, जिसमें एक प्रोफेसर आर्थर के द्वारा कोई हिस्टोरिकल साइट पर खुदाई चल रही थी। सभी एक हिस्टोरिकल साइट पर हैं, जहां पर उन्हें खुदाई में कई सारी ह्यूमन बोन्स मिलती है, लेकिन उनमें से चौंकाने वाली बात ये थी कि उन कंकालों में किसी की भी खोपड़ी नहीं थी, और इसलिए वो वहां पर और गहरा गड्ढा खोदते हैं और उन्हें अंदर से एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के आसपास कई सारे इंसेक्ट्स जैसे कि मॉथ्स और तितलियां मंडरा रही थी, और इस बॉक्स के निकलते ही यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब प्रेजेंट डे में हम एम्बर नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक माइग्रेंट थी। वो अपनी माँ के मरने के बाद में अमेरिका बिना डॉक्यूमेंट्स के आती है और वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करने लग गई थी। एम्बर एक मोटल में रुकती है और जब उससे आइडेंटिटी मांगी जाती है तो वहाँ से निकलकर दूसरी जगह ढूंढने निकल जाती है। उसे एक गेट दिखाई देता है जिसमें एक बोर्डिंग हाउस के बारे में लिखा हुआ था। इस बोर्डिंग हाउस में सिर्फ लड़कियों को ही रूम मिल सकता था और ये काफी सस्ता भी था, और इसीलिए एम्बर उस एड्रेस पर निकल जाती है। और ठीक उस जगह पर पहुंचने पर ये बोर्डिंग हाउस बहुत पुराना था और इसीलिए इतना सस्ता भी था, और एम्बर को तो यही लग रहा था। वहाँ का ओनर रेड एम्बर को बताता है कि यहाँ पर कुछ फिक्सिंग का काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि रेड ने खुद ये जगह कुछ ही दिन पहले खरीदी है। एम्बर नीचे से एक और लड़की को निकलता हुआ देखती है, जिसका नाम फ्रेया था, और एम्बर रेड से पूछती है कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। रेड बताता है कि उसको और फ्रेया को मिलाकर यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं। एम्बर फिर रात यहीं बिताती है, और दूसरे दिन जब वो अपने काम के लिए निकल रही थी तो उसके हाथों पर दरवाजे से राख लग जाती है। यहाँ पर एम्बर फ्रेया से टकराती है और उसे हेलो कहती है। वो ये भी बताती है कि रेड ने उसे कहा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं, और फ्रेया का ये कहना था कि रेड एक झूठा आदमी है। फिर ऊपर के फ्लोर से कोई मिस्टीरियस फिगर एम्बर को जाता हुआ देख रहा था, और उसकी आंखें अंधेरे में भी एकदम चमक रही थी। यहाँ पर अपनी जॉब पर एम्बर का काम में मन नहीं लग रहा था, और इसीलिए उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा था। किंजी नाम की एक लेडी उसकी फैक्ट्री की फ्रेंड थी, और वो उसके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाने में उसकी मदद कर रही थी, लेकिन किंजी का कहना था कि फेक आईडी बनवाने के लिए एजेंट ने अब $3,000 मांगे हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। एम्बर को अगर ओहायो के डॉक्यूमेंट बनवाने हैं तो 1,000 में काम हो जाएगा, लेकिन एम्बर को तो टेक्सास के ही डॉक्यूमेंट चाहिए थे, और इसीलिए वो एजेंट इतना ज्यादा चार्ज कर रहा था। अब रात के समय एम्बर अपनी माँ के कजिन बेटो के यहाँ पर जा रही थी, लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर वो सुनती है कि बेटो की उसकी वाइफ से लड़ाई हो रही है, क्योंकि वो एम्बर को ठीक से नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी बेटो उसे अच्छे से डिनर वगैरह करवाता है और वो उसे अपना एक कोट भी देता है। अपने घर पहुंचने पर एम्बर को हॉलवे से कुछ साउंड्स आता है, और वो साउंड का पीछा करते करते बेसमेंट तक आ गई थी, जहाँ पर बड़ा सा लॉक लगा हुआ था और दरवाजे पर किसी के नाखून के निशान भी थे। फिर तभी वहाँ पर रेड आ जाता है, और एम्बर बताती है कि उसे यहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी, और वो इसीलिए चेक करने बेसमेंट तक आ गई थी। एम्बर को वहाँ पर एक स्टडी रूम भी दिखता है, और रेड उसे एक प्राइवेट रूम बताकर एम्बर को जाने को कहता है। एम्बर ने रेड को यहाँ पर रहने के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए थे, और वो उसे वापस लेना चाहती थी अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, लेकिन रेड ने उन पैसों को उड़ा दिया था। फिर रात के समय एम्बर को फ्रेया के रूम से उसके रोने की आवाज आती है, और इसीलिए जब वो उसे चेक करने जाती है तो फ्रेया के रूम में कोई भी नहीं था, और उसके दरवाजे पर भी राख मौजूद थी। एम्बर वहां से जा रही थी, लेकिन उसके रूम में एक डार्क फिगर था जिसे एम्बर नहीं देख पा रही थी। फिर एम्बर अपने रूम में जाके अपनी माँ को याद करती है, और उसे सपने में एक कॉर्नर में एक बॉक्स दिखता है जिसमें से किसी के हाथ बाहर आ रहे थे, लेकिन असल में ये एक सपना था। एम्बर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी, और इसीलिए वो बार में किंजी से मिलने जाती है, जहाँ पर वो अपने फेक आईडी के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि उसे टेक्सास की आईडी की बहुत जरूरत थी, और वो ये भी झूठ बोलती है कि उसकी माँ असल में टेक्सास में ही रहा करती थी। किंजी एम्बर को ऑफर करती है कि वो उसके फेक आईडी के लिए उसे बाकी के पैसे दे देगी, लेकिन उसे पैसा आने पर उसे लौटाना होगा, जिससे खुश होकर एम्बर किंजी को जो पैसे उसके पास थे वो उसे दे देती है। फिर एम्बर घर आती है, जहाँ पर उसे एक आदमी दरवाजे पर सिर पीटता और कुछ बड़बड़ाता हुआ दिखता है, और डर के मारे वो चुपचाप से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसके रूम के बाहर भी किसी के कदमों की आवाज़ें होती है, और उसके रूम के बाहर भी कोई आदमी कुछ मंत्र पढ़ रहा था। वो राख को भी वहाँ पर लगाकर चला गया था, और कुछ देर के बाद एम्बर नीचे आती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात नई किरायेदार पेट्रा और मारिया से होती है। अब रेड वहाँ पर आता है, जिससे एम्बर उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में पूछती है, और रेड का ये कहना था कि वो बस उसका भाई बेकर है।
फिर बाद में एम्बर को रेड का स्टडी रूम खुला दिखता है और वो उसके अंदर घुस जाती है, जहाँ पर उसे कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं और मौत और बटरफ्लाइज के प्रिजर्वेटिव्स भी वहाँ पर रखे हुए थे। वहाँ पर एक रिकॉर्डर भी था जिसे एम्बर हेडफोन्स लगाकर सुनने की कोशिश करती है और उस रिकॉर्डिंग में भी बेकर के वही मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी और उसे पता लगता है कि ये मंत्र किसी लेडी को सेक्रीफाइस किए जाने पर पढ़े जाते हैं जिसके बदले में बच्चे की प्राप्ति होती है। वहाँ पर एम्बर को एक कपल की फोटो भी मिलती है जिसमें हस्बैंड का फेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड था। उसे दूसरा फोटो भी मिलता है जिसमें वही प्रोफेसर आर्थर और उसकी वाइफ मेरी थी और उस बॉक्स का फोटो भी था। तभी अचानक से एम्बर से डर के मारे फ्रेम टूट जाती है। वो उसे फटाफट साफ कर रही थी कि कोई उसे पीछे से देख रहा था। फिर अगले दिन अपनी फैक्ट्री में एम्बर को पता लगता है कि किन्सी ने काम छोड़ दिया है। अब जबकि किन्सी ने एम्बर से पैसे लिए थे तो एम्बर अपने बॉस से उसका एड्रेस मांगती है, लेकिन परेशान होकर उसका बॉस उसे भी काम से निकाल देता है। फिर घर आकर एम्बर शॉवर लेती है और उसे ट्रेन से कुछ आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पर कोई लेडी हेल्प मांग रही थी और पीछे से उसे फ्रेया की परछाई भी दिखती है। वो कर्टन को हटाती है। वो जैसे ही कर्टन को हटाती है फ्रेया की परछाई वहाँ से गायब हो गई थी। अब डर के मारे एम्बर फ्रेया के रूम में जाती है, लेकिन रेड से उसे पता लगता है कि फ्रेया तो कब से यहाँ से जा चुकी है। और तभी रेड एम्बर से कहता है कि वो उसका डिपॉजिट वापस कर देगा, जिससे कि एम्बर को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अब रात के समय एक मौत बेसमेंट से निकलकर एम्बर के रूम में पहुंचता है, जहां पर एम्बर अपनी मॉम के वॉइस मैसेजेस सुन रही थी और वो उस मौत को मार डालती है। लेकिन जल्दी ही वो मौत फिर से जिंदा होकर उड़ जाता है, जो कि एम्बर को बड़ा अजीब लगता है। एम्बर को अपनी मॉम भी दिखती है और असल में ये एक सपना था। अब यहाँ पर एम्बर के रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और जल्दी ही बाहर की लाइट्स भी चली गई थी। बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो देखने जाती है कि बाहर किसी की परछाई थी और किसी के फुट स्टेप्स उसी की ही ओर आ रहे थे और उसके रूम में फिर कुछ पास्ट के विजन्स आने लगे थे। आर्थर की वाइफ मेरी किसी पर रिचुअल्स कर रही थी, लेकिन विक्टिम लड़की खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर एम्बर आवाज़ों का पीछा करते करते बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर वो विक्टिम लड़की बैठी हुई थी और एम्बर से मदद मांग रही थी, लेकिन एम्बर के पीछे मेरी खड़ी हुई थी। और तभी एक मॉन्स्टर जैसे हाथ उस विक्टिम लड़की को खींच कर ले जाते हैं। फिर डर के मारे एम्बर अपना सामान पैक करती है और बेटो को फोन करके यहाँ से जल्दी उसे ले जाने को कहती है, लेकिन बेटो टाउन में नहीं था और वो उसकी मदद नहीं कर पाता है। एम्बर उसे सच सच बताती है कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट है और अमेरिका इलीगल तरीके से आई है। बेटो का कहना था कि उसने उससे भी झूठ बोला, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके वो उसकी मदद करेगा। एम्बर फिर अपना डिपॉजिट अमाउंट लेने जाती है, जहाँ पर रेड का भाई बेकर था और एम्बर उसे बिना पैसे लिए ही वहाँ से निकल जाती है। उस घर के बाहर बहुत ठंड थी और वो अपने लिए रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी। एम्बर एक रेस्टोरेंट में थी, जहाँ पर फिर से एक डरावना सपना आता है कि वो एक ट्रेन में है और वही बॉक्स और उसकी माँ भी साथ में ही है। एम्बर उसी रेस्टोरेंट में से रेड को बुलाकर पैसा मांगती है, लेकिन रेड उसे अपने घर ही छोड़कर आया था। रेड अपनी बातों में फंसा के एम्बर को फिर से अपने घर ले गया था, ये कहकर कि उसने उसका पैसा उसके रूम में रखा है और रूम में आकर एम्बर को अपना डिपॉजिट कहीं नहीं मिलता। अब पीछे से रेड आकर एम्बर को ड्रिंक ऑफर करता है और एम्बर डरी थी और रेड अजीब अजीब बातें कर रहा था। वो बताता है कि कैसे उसके पिता को पुरानी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था और उसने उसकी माँ को भी मार डाला। पीछे से बेकर आकर एम्बर को जबरदस्ती अल्कोहल पिलाता है और रेड उसका फोन लेकर उसे रूम में लॉक कर गया था। अब रात के समय फ्रेया और मारिया उसके रूम में आती है और सभी को यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था और सभी को अपने सपनों में वही बॉक्स दिखता है। ये तीनों एम्बर के रूम में थे और उन्हें लग रहा था कि वो मिस्टीरियस बॉक्स नीचे बेसमेंट में है। और फिर तभी सडनली एम्बर को सभी सेक्रीफाइस की गई लड़कियों की आत्माएं दिखती है। और तो और पेट्रा और मारिया भी बेड से गायब हो गई थी। फिर एम्बर को उसकी माँ दिखाई देती है, जो कि उसे हॉलवे में बुला रही थी, लेकिन असल में फिर से वो एक सपना देख रही थी। एम्बर की जब नींद खुलती है तो रेड और उसका भाई पेट्रिया और मारिया को खींचकर नीचे बेसमेंट में ले जा रहे थे। तभी यहाँ का दरवाजा लॉक होता है और नीचे बेटो आया हुआ था एम्बर को लेने के लिए। रेड उसे अंदर नहीं आने देता। वो कहता है कि एम्बर यहाँ से चली गई है, लेकिन बेटो को उसका कोट अंदर दिख जाता है और खिड़की तोड़ के एम्बर भी बेटो का ध्यान खींच लेती है, जिसे देखकर बेटो रेड को धक्का देकर अंदर आता है। वो एम्बर के रूम तक पहुंचता है, लेकिन रेड उसे तब तक मारता है जब तक कि वो अधमरा नहीं हो जाता। और अब एम्बर को प्रिपेयर किया जाना था सेक्रीफाइस करने के लिए। एम्बर को चेन से बांध दिया गया था और उसके सामने ही मारिया को सेक्रीफाइस के लिए ले गए थे। और मारिया के बाद अब एम्बर की बारी। बेकर के कहने पर रेड एम्बर की बॉडी पर
राख को लगा देता है और एम्बर पूछती है कि उसके साथ अंदर क्या होने वाला है। रेड का यह कहना था कि उस बॉक्स के लिए लड़कियों को सेक्रीफाइस करने से बेकर ठीक रहता है। वो ये भी बताता है कि उसका पिता आर्थर भी उसकी माँ मेरी के साथ मिलकर क्यू को सेक्रीफाइस कर चुके हैं और एंड में उसने अपनी पत्नी मेरी को भी सेक्रीफाइस कर दिया और उस बॉक्स के श्राप से बचने के लिए दोनों भाई भी अब लड़कियों को सेक्रीफाइस करते हैं। एम्बर रेड को मनाती है कि वो बेकर को ऐसे ही छोड़कर एम्बर के साथ भाग निकले, लेकिन रेड अपने भाई को दुखा नहीं दे सकता था। बेकर एम्बर को लेने आता है और वो उसे ज्यादा झटपटाने को मदद करता है क्योंकि मारिया ने भी उसके हाथ पर निशान लगा दिए थे और मारिया का सेक्रीफाइस करते ही ये निशान अपने आप भर जाते हैं। वो एम्बर को उठाकर बेसमेंट में ले जा रहा था और हॉलवे में मारी गई विक्टिम्स की आत्माएं खड़ी हुई थी। उस बेसमेंट के सेक्रीफाइस रूम में बहुत सारी कैंडल्स जली हुई थी और वहां पर एक टेबल थी जिस पर मारिया की लाश थी। मारिया की लाश को हटाकर एम्बर को लेटाया जाता है और उस बॉक्स को वो खोल देता है। उस बॉक्स से खुलते ही उसके अंदर एक अंधेरी इन्फिनिट टनल थी जो कि पूरी अंधेरे से भरी हुई थी, जिसके बाद में बेकर उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। एम्बर को बॉक्स में से किसी मॉन्स्टर की आवाज़ आती है जो कि धीरे धीरे उसी की ओर आ रहा था और वही बटरफ्लाइज और मौत पूरे रूम से भर गए थे। सडनली बेटो दरवाजा खोलकर अंदर आता है और एम्बर को खोलता है और उसे उस मॉन्स्टर के आने से पहले ही वो उसे दूसरे रास्ते से बाहर ले जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में दो लड़कियों की लाश को देखती है जिनके सिर गायब थे। वे दोनों भाग ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि गेट लॉक हो गया है और लाइट भी अपने आप बंद हो गई थी। बेटो को भी किसी ने गायब कर लिया था और एम्बर को अब बॉक्स के अंदर अपनी पुरानी मेमोरी दिखती है जिसमें वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल के बेड पर थी। ये बस एक ड्रीम था और असल में एम्बर सेक्रीफाइस टेबल पर लेटी हुई थी। उस बॉक्स से बाहर आने वाला मॉन्स्टर एक एस्टेक गॉडेस इज पोपोलांडो थी जो कि धीरे धीरे एम्बर की ओर आ रही थी, लेकिन एम्बर तो सपने में अपनी माँ के साथ थी। पर एम्बर की माँ उसे रुकने को बोलती है ताकि असली मॉन्स्टर एम्बर को लग गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो अपनी माँ को ही तक्के से मार डालती है और इधर असलियत में एस्टेक गॉडेस वापस से अपने बॉक्स में चली गई थी क्योंकि वो एम्बर के सपने में उसकी माँ बन के आई थी और वो बॉक्स का दरवाजा लगा लेती है। एम्बर फिर उस बॉक्स को खोल कर देखती है लेकिन उसे बस उस बॉक्स के अंदर एक बिना सर का कंकाल दिखता है। एम्बर बाहर निकलकर भागने वाली थी लेकिन वो देखती है कि बेकर अब पेट्रा को सेक्रीफाइस करने वाला है और वो रुककर स्टडी रूम से एक एस्टेक तलवार लाती है। यहाँ पर बेकर के हाथ के घाव ठीक नहीं होता और उसे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। रेड पर हमला करती है लेकिन बेकर को मारने से पहले ही वो उसे गिराकर उसका पैर तोड़ देता है। वो उस तलवार से एम्बर को मारने वाला था लेकिन पेट्रा पीछे से उस पर अटैक कर देती है। बेकर बहुत गुस्से में था और वो पेट्रा को उठाकर नीचे फेंक देता है जिससे कि वो जमीन पर गिरने से मर जाती है, जिसके बाद में बेकर अब एम्बर को मारने वाला था लेकिन उसके पास उस तलवार का एक टुकड़ा था जिससे कि वो बेकर का गला काट देती है और फिर वो उस तलवार से उस पर कई बार हमला करती है। एम्बर लंगड़ाकर बाहर जा रही थी लेकिन रेड अभी भी जिंदा था। एम्बर फिर रेड को ही सेक्रीफाइस टेबल पर लिटाकर उसे एस्टेक गॉडेस को सेक्रीफाइस कर देती है और उस बॉक्स के अंदर से वो एस्टेक गॉडेस निकलकर रेड को खा रही थी। एम्बर बाहर निकल रही थी और उसे रेड की स्पीड दिखाई देती है लेकिन एम्बर उसे इग्नोर करके लंगड़ाते हुए बाहर आ जाती है और सडनली रेड के सेक्रीफाइस से एम्बर की सारी चोटें अपने आप ठीक हो गई थी, जिसके बाद में हम देखते हैं कि एम्बर अब इसी घर में रुकने का सोच रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया गया था कि आर्थर को एक बॉक्स मिलता है और साथ में कुछ हड्डियाँ जिसकी खोपड़ियाँ गायब थी और इसका मतलब ये था कि यह सेक्रीफाइस कई सालों से होता आ रहा है। एस्टेक गॉडेस को बर्थ की देवी माना जाता है जो कि सेक्रीफाइस के बदले नए जीवन और तंदुरुस्त बच्चा देती है, लेकिन बदले में एक श्राप मिलता है। पहले आर्थर ने एस्टेक को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस दिए और फिर उसके बेटे रेड ने अपने भाई बेकर को ठीक करने के लिए सेक्रीफाइस दिए, लेकिन इन द एंड बुरा काम करने का नतीजा भी बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब एम्बर को ये पावर अच्छी लगने लगी थी और अब शायद वो भी सेक्रीफाइस देकर खुद इस पावर को एंजॉय करना चाहती थी। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा मजेदार था और अगर आपको अच्छा लगा हो नीचे लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आपको हमारे इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।